पार्षदों एवं पूर्व पार्षदों ने विकलांग अभ्यर्थियों के आंदोलन का समर्थन किया। जी हां, आपको बताते चले कि 1 जनवरी 2021 को पार्षदों पूर्व पार्षदों ने सर्वदलीय पार्षद पूर्व पार्षद संघर्ष समिति नगर निगम प्रयागराज के तत्वाधान में विकलांग अभ्यर्थियों द्वारा शिक्षा निदेशालय कार्यालय प्रयागराज में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में नियमानुसार 4% आरक्षण की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश के जिले से आकर विकलांगों द्वारा दिए जा रहे धरने में समर्थन घटना स्थल पर पार्षदों पूर्व पार्षदों ने 1 बजे से 2:30 बजे तक धरने में शामिल होकर समर्थन किया है और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से विकलांग अभ्यर्थियों के मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग की है। धरना स्थल पर पूर्व वरिष्ठ पार्षद शिव सेवक सिंह ने कहा कि विकलांग अभ्यर्थियों द्वारा अपनी जायज मांगों के लिए धरना प्रदर्शन करते हुए 19 दिन बीत गए हैं, फिर भी सरकार द्वारा मांग न मानने पर दुख व्यक्त किया है और उत्तर प्रदेश सरकार के महामहिम राज्यपाल से विवादित 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया की माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के सेवानिवृत्त माननीय न्यायमूर्तियों की कमेटी से जांच कराने की मांग की है। उक्त कार्यक्रम में शामिल होने वाले में मुख्य रूप से पूर्व वरिष्ठ पार्षद शिव सेवक सिंह एवं संयोजक वरिष्ठ पार्षद आनंद घिल्डियाल, कमलेश सिंह, अशोक सिंह, रंजन कुमार, अमरजीत यादव, पूर्व पार्षद चंद्रप्रकाश गंगा, अशोक कुमार, चंद्रशेखर बच्चा, समाजसेवी अनुराधा, अनंत कुमार चौधरी आदि उपस्थित थे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए अनिल यादव के साथ सुशील यादव की खास रिपोर्ट। दिव्यांग एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद।